कोविड टीकाकरण के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल की तरह अब भारत सरकार ने नियमित टीकाकरण के लिए भी पोर्टल बना दिया है। नए पोर्टल की जानकारी डॉक्टरों को देने के लिए शनिवार को जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूविन पोर्टल के माध्यम से अब सभी प्रकार के टीकाकरण का रिकॉर्ड डिजिटली मिल सकेगा। देखिए एक खास खबर। कई बार बच्चों का टीकाकरण छूट जाता है, परिजनों को कभी तारीख याद नहीं रहती है तो कभी पहला टीका लगा है या नहीं ये भी याद नहीं रहता है, लेकिन अब बच्चों की टीकाकरण की सभी जानकारी एक पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। दरअसल भारत सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल बनाया था जिसमें टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड है। इसी तरह भारत सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए यूविन पोर्टल का निर्माण किया है। इस पोर्टल में प्रत्येक टीके की जानकारी के साथ ही यह पोर्टल टीकाकरण के लिए आपको रिमाइंड भी करेगा। टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करना हो तो वह भी इस पोर्टल के माध्यम से हो सकेगा। पोर्टल के बारे में जानकारी देने के लिए शनिवार को जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जी ये आज हमारी जो मीटिंग है वो जिला स्तरीय मीटिंग है जिसमें कि सभी ब्लॉक से जोन से हमारे ऑफिशियल्स आए हैं। IMI एक छगन मिशन इंद्रधनुष 5.0 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है वो अगस्त में, माह अगस्त में, सितंबर में और अक्टूबर में तीन इसके चरण चलाए जाएंगे, जिसमें कि छूटे हुए बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं, जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन किसी कारण से नहीं लगाए गए हैं, या हमारे जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं उनको हम चिन्हित कर इसमें बच्चों को फाइंड आउट करेंगे। जितने बच्चे अनवैक्सीनेटेड निकलते हैं उनको इस दौरान जो है वो टीका लगाया जाएगा। ये इनिशिएटिव ये भी है कि हमें मीजल्स और रूबेला का एलिमिनेशन 2023 तक करना है, इसलिए सभी 5 साल तक के सभी छूटे हुए बच्चे का उनका टीकाकरण पूर्ण करना है। साथ ही जो ये एक्टिविटी है वो एक विशेष पोर्टल जिसके माध्यम से की जाएगी, जिसमें कि सारे बच्चों की एंट्रीज हैं, वैक्सीनेशन है, वो डिजिटली इंदराज होगा। यानी कि जैसे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान आपको पता होगा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डिजिटली अवेलेबल होता था और सारी जो जानकारी है वो एक पोर्टल के माध्यम से एंट्री की जाती थी और कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपना वैक्सीनेशन करा सकता था। सेम उसी प्रकार ये जो सुविधा है वो रूटीन टीकाकरण में भी की जा रही है, जिसको कि यूविन प्लेटफॉर्म कहा गया है। और इस यूविन प्लेटफॉर्म की ही आज ट्रेनिंग सभी जिला स्तरीय हमारे जितने अधिकारीगण हैं उनको की जा रही है। इस यूविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे बच्चों के अंतर्गत जितना भी रूटीन टीकाकरण है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो टीकाकरण है, वो सारा डेटा, वो सारी एंट्रीज जो हैं वो पोर्टल पे की जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। वर्ष 2023 तक देश को मीजल्स और रुबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के तहत अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में सघन अभियान चलाया जाएगा। छूटे हुए बच्चों को टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला घर घर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।